हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के 10th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें हमने पहले वीडियो में सेल डिवीजन, सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन और इंटरफेस डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम इस सेकंड वीडियो में एम फेज और साइटोकाइनेसिस को यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो एम फेज क्या है, देखिए हमने सेल साइकिल में देखा था कि इंटरफेज में G1S G2 होता है, तीन सब फेजेस होते हैं, और इंटरफेज में हमने सेल डिवीजन की तैयारी की थी, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि जो भी चीज़ें सेल के अंदर हैं, चाहे वो क्रोमोसोम हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं या फूड मटेरियल हैं, mRNA है, DNA है, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हमने इंटरफेज में डबल किया है। अब हम जब डिवीजन फेज में आते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और इस फेज को हम एम फेज भी कहते हैं। एक्चुअली सेल डिवीजन में एम फेज का मतलब है माइटोसिस या मियोसिस। तो पहले हम यहां पर माइटोसिस पढ़ेंगे, फिर हम मियोसिस पढ़ेंगे। तो एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। हालांकि इसमें सभी कंपोनेंट का रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन मेनली ये फेज है न्यूक्लियस के डिवीजन का, कैरियोकाइनेसिस का। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोगेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज द इक्वेशनल डिवीजन। जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। और एक चीज बता दें कि मियोसिस में जब हम जाएंगे तो मियोसिस वन और टू जब पढ़ेंगे तो जो मियोसिस टू है वो भी इक्वेशनल डिवीजन है। तो माइटोसिस और मियोसिस टू ये दोनों इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि वहां पर जो पेरेंट सेल डिवाइड होती है उसके इतने ही क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में भी होते हैं, बराबर दोनों सेल में बराबर। जैसे मान लो 46 है एक सेल में, तो डिवीजन करने के बाद दोनों डॉटर सेल में 46 46, ऐसा, ठीक है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इंटू फोर स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। हमने यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार सब स्टेजेस में बांटा है, लेकिन हम क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोफेज है फिर यहाँ से मेटाफेज चालू हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्लियर कट लाइन जो है, बाउंड्री जो है, वहाँ पर नहीं बनता है। तो जैसा हमने कहा कैरियोकाइनेसिस में फोर सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला है प्रोफेज। देखिए मैं इनको सबसे पहले आपको इसमें फिगर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम इसमें क्या क्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो सेल इंटरफेस कंप्लीट करता है उस सेल में हमको क्या दिखाई देता है, ये मान लो एक सेल है जिसका इंटरफेस जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर हमको क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई देगा, ठीक है, और जो ये है सेंट्रियोल, ये दो की जगह चार दिखाई देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा वहां पर कि एस फेज में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, तो दो सेंट्रियोल पहले से थे, अब चार सेंट्रियोल हो गए, दो सेंट्रियोल एनिमल पोल की ओर ऊपर की ओर जिधर न्यूक्लियस रहता है, और बाकी जो दो सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं, और इस दौरान इनमें इस तरह से छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर्स भी जुड़ जाते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के जुड़ने के बाद ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनको हम कहते हैं एस्टर्स। एस्टर का मतलब होते हैं तारा, सितारा यार स्टार, ठीक है, तारे सितारे स्टार ऐसा। तो एस्टर जो है चूंकि तारे के समान दिखाई दे रहे हैं इसलिए उनको एस्टर कह रहे हैं, और इसमें से जो स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे स्टार से कोई रेज निकलते रहते हैं उस टाइप के, तो उनको एस्ट्रल रेज कहते हैं अपन। तो ये जो है दोनों पोल की ओर पहुंच गए हैं और इनमें से लंबे लंबे स्पिंडल्स भी ऐसे जुड़ जाते हैं,
ठीक है, इस तरह से लंबे लंबे स्पिंडल्स जुड़ जाते हैं। तो ये शुरू हो रहा है अब प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में हम तीन स्टेप्स में प्रोफेज को समझेंगे, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले सेंट्रियोल से एस्टर्स बनते हैं, अपोजिट पोल में पहुंचते हैं, वहां से स्पिंडल जुड़ जाते हैं। साथ ही साथ जो अंदर के क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क है, उनसे क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो है क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से होता है। तो अर्ली प्रोफेज में आपको कंडेंसेशन शुरू होते हुए दिखेगा। फिर मिडिल प्रोफेज में जब आएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम करीब करीब कंडेंस होके बन गए ऐसे दिखाई देंगे। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी संख्या हो गई 92, क्योंकि पहले 46 क्रोमोसोम थे, जब हम डिवाइड करने वाले हैं तो कंडेंस होके वो 46 से 92 क्रोमोसोम्स हो गए, ये मिडिल प्रोफेज में। और साथ ही साथ इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो न्यूक्लियोलस मिडिल प्रोफेज के आते आते तक डिजॉल्व हो जाता है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी ऐसे ब्रेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये टूट के बिखर जाता है। तो ये आखिरी में लेट प्रोफेज में आप देखेंगे कि सारे क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इनके अंदर के दोनों क्रोमेटिड्स आपको दिखाई देंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब ये डिजॉल्व होके मतलब टूट करके बिखर चुका है। लेट प्रोफेज में पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। तो अर्ली, मिडिल और लेट प्रोफेज क्या क्या हुआ, एक तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन पहले हो चुका है, वो एस्टर्स बनाए, दोनों पोल में चले गए, स्पिंडल के जुड़ने से वो एस्टर बन गए और बड़े बड़े स्पिंडल भी चारों तरफ जुड़ गए। फिर अंदर में जो न्यूक्लियस के क्रोमेटिन नेटवर्क है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होना शुरू हो गए, न्यूक्लियोलस डिजॉल्व हो गए, और आखिरी में न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी टूट के बिखर गया। अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रह गया है और जितने भी क्रोमोसोम हैं वो अब साइटोप्लाज्म में रिलीज हो चुके हैं। तो ये हो गया प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज कंप्लीट हो गया। अब है मेटाफेज। देखिए, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो मेटाफेज में एक्चुअली क्या होता है, देखिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे बीच में ऐसे लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ऐसे इस तरह से अरेंज्ड हो गए बीच में। हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स हैं, अरेंज हो गए, और जो स्पिंडल हैं, बहुत सारे स्पिंडल हैं, उनमें से कुछ कुछ स्पिंडल इनको ऐसे पकड़ लेते हैं, इस तरह से पकड़े हुए हैं, देखिए, ठीक है। तो ये कहाँ से पकड़ते हैं, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में जो काइनेटोकोर्स होते हैं। देखिए, जैसे कि ये सेंट्रोमियर है, आपको ऐसे दो क्रोमेटिड जुड़ते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर एक काइनेटोकोर और यहाँ पर एक काइनेटोकोर, दो काइनेटोकोर होते हैं, बस इन्हीं से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो है जुड़ जाते हैं दोनों तरफ से। तो बीच में अरेंज हो गए, और बीच में अरेंज हो गए सारे क्रोमोसोम, और स्पिंडल फाइबर्स उनको अपने से अटैच कर लिए, तो उन स्पिंडल फाइबर्स को काइनेटोकोर स्पिंडल्स कहते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स तो बहुत सारे थे, उनमें से कुछ जो हैं वो काइनेटोकोर से जुड़ गए हर एक क्रोमोसोम से। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए कि ये क्रोमोसोम लाइन से अरेंज हो गए हैं बीच में। इस बीच वाली लाइन को अपन मेटाफेज प्लेट कहते हैं, जिसमें ये सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए है ना, और ये जो स्पिंडल जुड़े हुए हैं ये काइनेटोकोर स्पिंडल्स कहलाते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल इधर से और इधर से जुड़ गए, दोनों क्रोमेटिड को एक एक स्पिंडल पकड़ लिया, ये मेटाफेज हुआ। अगर आप क्रोमोसोम की सही स्टडी करना चाहते हो, उनके नंबर्स की, उनकी स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए मेटाफेज स्टेज सबसे बढ़िया स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज में क्रोमोसोम बहुत क्लियर कट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए मेटाफेज के बाद जब एनाफेज चालू होगा, तो एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो दोनों तरफ से इसको पकड़े हुए हैं, स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ से जो पकड़े हुए हैं, ये इस तरह से पकड़े हुए हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो दोनों तरफ से चूंकि क्रोमोसोम के एक एक क्रोमेटिड को पकड़े हुए हैं, तो जब खींचेंगे तो दोनों क्रोमेटिड ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, इस तरह से अलग हो जाएंगे। मतलब क्रोमोसोम 20 से ऐसे चीर करके ये दो टुकड़े में बढ़ जाएगा, एक तरफ एक क्रोमेटिड आ जाएगा, दूसरे तरफ दूसरा क्रोमेटिड आ जाएगा। तो इस तरह से जब चीर करके इसको अलग अलग कर दिए, तो ये एक एक क्रोमेटिड लेकर के अपोजिट पोल की तरफ ये जाने लग गए। देखिए एक एक क्रोमेटिड लेके अपोजिट पोल की तरफ जाने लग गए। तो यहां से एनाफेज चल रहा है यहां पर, और एनाफेज के लास्ट में देखिए, एनाफेज भी हम दो फिगर में समझते हैं। एक तो ये अलग पोल में जाते हुए दिख रहे हैं, और फिर ये अलग पोल में जाकर के इस तरह से ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ग्रुपिंग कर लिए, ये एनाफेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, मेटाफेज में बीच में अरेंज हुए, एनाफेज में दोनों क्रोमेटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल में पहुंचे, अपोजिट पोल में जाके ग्रुपिंग कर लिए, ये एनाफेज कंप्लीट हुआ। उसके बाद टीलोफेज में ये ऐसे चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के दौरान छोटे छोटे टुकड़े में टूट के गायब हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही टुकड़े जुड़ करके ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक एक ग्रुप के चारों तरफ एक एक, तो दो न्यूक्लियस बन गए यहां पर, दो न्यूक्लियाई बन गए आप ये कह सकते हैं। तो दो न्यूक्लियाई का बन जाना ये टीलोफेज कहलाता है। ठीक है, टीलोफेज बन गया, हो गया। तो इस तरह से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जब इंटरफेज कंप्लीट हुआ तो सेंट्रियोल दो की जगह चार हो चुके हैं, अंदर में जो डीएनए है वो डबल हो चुके हैं, क्रोमेटिड्स डबल हो चुके हैं, हर क्रोमेटिड की कॉपी तैयार हो चुकी है। अब प्रोफेज चालू होता है, तो प्रोफेज में पहला काम होता है सेंट्रियोल से स्पिंडल का, मतलब सेंट्रियोल से एस्टर का बनना, स्पिंडल का जुड़ना, है ना। और दूसरा काम ये होता है कि जो क्रोमेटिड हैं वो जुड़ करके कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये प्रोफेज में हो गया। फिर आखिरी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो गए, ये प्रोफेज में हो गया। मेटाफेज में बीच में अरेंज हो गए सारे क्रोमोसोम, है ना, और उनसे स्पिंडल जुड़ गए उनके काइनेटोकोर से। फिर एनाफेज में ये स्पिंडल्स जो हैं दोनों तरफ से खींचे हैं, इसलिए दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए क्रोमोसोम के, और अपोजिट पोल में जाके ग्रुपिंग कर लिए। फिर टीलोफेज में उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गया। अब टीलोफेज कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर एम फेज अपने आप में कंप्लीट हो गया। अब सी फेज चलेगा, हालांकि एनसीईआरटी में एम फेज और सी फेज को अलग अलग नहीं दिया है, एक ही में दिया है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ सी फेज में क्या होता है। देखिए, हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में साइटोकाइनेसिस क्लीवेज या फरो के द्वारा होता है। तो वो कैसे होता है, देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग बनाता है, ऐसा ये फोल्डिंग बना लिया। फोल्डिंग बनाएगा तो ये गड्ढा हो जाएगा, यहां पर ये गड्ढा हो जाएगा, इसी गड्ढे को हम कहते हैं फरो, या इसी को हम कहते हैं क्लीवेज, फरो या क्लीवेज हम कहते हैं इसको। फिर ये धीरे 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 डीप होते चले जाता है, और डीप होकर के एक समय में ये ऐसे फ्यूज हो जाता है, तो बीच से ये पूरा ऐसा कट जाता है। ये देखिए ये क्लीवेज या फरो बन रहा है, है ना, और ये धीरे धीरे अंदर जाकर के ये काट देगा, तो ये दो सेल में ये डिवाइड हो गया। एनिमल सेल में सेल डिवीजन क्लीवेज या फरो के द्वारा होता है साइटोकाइनेसिस, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, देखिए प्लांट सेल में चूंकि मोटा सेल वॉल है तो क्लीवेज या फरो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, देखिए ये दो न्यूक्लियस बना, दो न्यूक्लियस के बीच में छोटे छोटे टुकड़े आके कलेक्ट हो जाते हैं। ये टुकड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी बॉडी के टुकड़े, उनको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फिर ये टुकड़े आपस में जुड़ के दो मेम्ब्रेन बना लेते हैं, इनके बीच का मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है, ये सेल प्लेट बन गया, यही बाद में मिडिल लेमेली बन जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ ये मिडिल लेमेली बन गया बीच में, है ना। और ये जो मेम्ब्रेन है दोनों सेल के मेम्ब्रेन हो जाते हैं इनके बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ जो है, मतलब इस दोनों मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और मिडिल लेमेली के अंदर की तरफ सेल वॉल सिक्रीट होते चले जाता है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, तो दो सेल इस तरह से अलग हो जाते हैं। क्योंकि प्लांट सेल में सेल्स जो हैं से सेपरेट नहीं हो जाते हैं बिल्कुल, बस उनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, लेकिन सेल जुड़े रह जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सेल प्लेट का निर्माण हो रहा है, सेल प्लेट बन रहा है प्लांट सेल में, जिसके द्वारा इसके सेल का डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो अब इनको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या क्या होता है। तो प्रोफेज एनसीईआरटी में जो दिया है उसको हमको याद रखना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा इसको। प्रोफेज
विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एन जी टू फेजेस ऑफ इंटरफेज. तो एस फेज, जी टू फेज, उसके बाद प्रोफेज. तो जी टू फेज को फॉलो करता है, उसके बाद आता है. इन द एस एन जी टू फेजेस द न्यू डी एन ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड. तो जो डी एन ए मॉलिक्यूल हैं क्रोमेटिड के या क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर एक जाल के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में आपको दिखाई देंगे. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. तो सबसे पहली विशेषता है प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस्ड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखने शुरू होते हैं. आपको बता दें कि क्रोमोसोम हमको सिर्फ सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तक ही हमको क्रोमोसोम दिखाई देंगे. अन्यथा आप सेल जब डिवीजन नहीं कर रहा है या इंटरफेज में है उस समय अगर आप देखते हैं तो क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, आपको उसके जगह क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई देंगे. द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. तो सबसे पहले जो क्रोमेटिड्स हैं, जो क्रोमेटिन नेटवर्क में हैं, वो अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं. अलग हो करके फिर दो दो क्रोमेटिड, एक पुराना एक नया, क्योंकि वो कॉपी किए हैं ना, एस फेज में कॉपी हुई है ना, जितने भी क्रोमेटिड थे, 92 क्रोमेटिड थे 46 क्रोमोसोम के, वो अपनी अपनी कॉपी तैयार किए हैं, वो आपस में जोड़ते हैं. द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. द कम्प्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स. तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोफेज में क्रोमोसोम का तो कंडेंसेशन होता ही है. जो सेंट्रियोल्स हैं, जो दो की बजाय चार हो चुके हैं, वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल में जाते हैं और उनके साथ छोटे छोटे स्पिंडल जुड़ जाते हैं जिससे वो तारे के समान दिखाई देने लगते हैं, और हम उनको कहते हैं एस्टर्स. ठीक है, अब क्या क्या होता है और प्रोफेज में देखिए. क्रोमोसोमल मटेरियल्स कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. तो अब जो क्रोमोसोम बने उनकी संख्या होगी 92, और उनके अंदर जो दो दो क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक पहले से थी और एक कॉपी होके बनी एस फेज में. देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको पहले बता दूं. हम लोग कहते हैं कि सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो एक्चुअली 46 क्रोमोसोम नहीं है, हमारे पास 92 क्रोमेटिड्स थे. 92 क्रोमेटिड्स थे और जब वो सेल डिवीजन करना शुरू किया तो एस फेज में हमने जब डीएनए का डुप्लीकेशन किया तो 92 क्रोमेटिड्स अपनी अपनी कॉपी तैयार किए हैं. तो एक पुराना और एक नया, ऐसे क्रोमेटिड बने, और वही क्रोमेटिड प्रोफेज में आपस में जुड़े, एक नया और उसका पुराना दोनों, और एक क्रोमोसोम बनाए. तो 92 क्रोमेटिड ने अपनी कॉपी तैयार की थी, तो अब वो कॉपी के साथ सब जुड़े दो दो क्रोमेटिड, तो हमारे पास 92 क्रोमोसोम हो गए. समझ रहे हैं बात को? ठीक है. क्रोमोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. Each centrosome radiates out microtubules called esters. The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. अब यहाँ पर कुछ definition समझ लीजिए. एक centrosome में दो centriole होते हैं और दो centriole के साथ छोटे छोटे spindle जुड़ गए तो वो esters बन गए, फिर उनके साथ बड़े spindles जुड़ गए तो esters और उनके spindles दोनों को मिलके हम माइटोटिक एपरेटस कहते हैं. माइटोटिक एपरेटस क्या है? टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपरेटस. इसको जरा ध्यान रखेंगे, ये फिगर मैंने आपको समझाया. ठीक है, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप. ये सारी चीज़ें, इनके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डिज़ाल्व हो जाते हैं और ये चीज़ें सेल के अंदर से गायब हो जाती हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब, और न्यूक्लियोलस भी, ये भी गायब हो जाता है. ठीक है,
अब दूसरा है मेटाफेज। तो जितने भी हमने क्रोमोजोम बनाए 92 क्रोमोजोम्स, वो सभी बीच में आके अरेंज हो जाएंगे और उनको पकड़ लेंगे स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्रोमोजोम के कैनेटोकोर्स को पकड़ते हैं, जो सेंट्रोमियर में रहता है कैनेटोकोर्स, दो कैनेटोकोर रहते हैं, दोनों साइड से पकड़ लेते हैं। और ऐसे स्पिंडल्स को जो कैनेटोकोर को पकड़ते हैं उन्हें अपन कैनेटोकोर स्पिंडल्स कहते हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो मेटाफेज हम कहां से शुरू करते हैं कि जहां से प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ, वहां से हम मेटाफेज की स्टार्ट समझते हैं। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम के एक जगह बाउंड करके रखा हुआ था, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो गया तो क्रोमोसोम बिखर गए और साइटोप्लाज्म में चारों तरफ बिखरने लग गए। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम ठीक ढंग से बने हैं, ठीक ढंग से कंडेंस्ड हुए हैं, माइक्रोस्कोप में बहुत क्लियर दिखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मेटाफेज स्टेज ही क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बढ़िया स्टेज मानी जाती है। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। ये मैंने अभी आपको बताया। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों कहा हमने, क्योंकि एक क्रोमेटिड पहले से था, एक हमने एस फेज में बनाया। विच आर हेल्ड टूगेदर बाय द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर ऐसे करके एक जगह है जहां से दोनों ये क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें सेंट्रोमियर में दो काइनेटोकोर्स होते हैं, इन्हीं काइनेटोकोर को पकड़ता है स्पिंडल फाइबर, यही बताएगा भी आपको। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। अभी मैंने आपको बताया दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये भी मैंने आपको बताया, फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। तो इसमें ये लिखा है कि क्रोमोसोम सेल्स के बीच में सेंटर में मूव कर चुके हैं और उनसे वो जो उनके जो काइनेटोकोर्स हैं वहां से जुड़ गए स्पिंडल फाइबर्स। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। तो यही तो मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों तरफ के पोल से आने वाली स्पिंडल्स काइनेटोकोर को अपने अपने साइड में ऐसे पकड़ लिए, ऐसे, ठीक है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट। तो जहां पर ये अरेंज हुए हैं सारे क्रोमोसोम उसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। द की फीचर्स ऑफ द मेटाफेज आर, अब मेटाफेज में हम क्या क्या समझें इसको देख रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो गए और उसके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। आपको एक चीज बता दूं मैं कि पहले क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं स्पिंडल्स, फिर वो बीच में अरेंज होते हैं ठीक ढंग से। पहले अरेंज होते हैं बाद में स्पिंडल पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। स्पिंडल पहले ही पकड़ लेते हैं फिर उनको बीच में लाके अरेंज कर लेते हैं, ऐसा है। अब आएगा एनाफेज। तो एनाफेज में हमने क्या देखा कि चूंकि क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक एक तरफ से पकड़ाए हुए हैं स्पिंडल फाइबर द्वारा, तो स्पिंडल उनको अपने तरफ खींचते हैं, तो ये दोनों क्रोमेटिड टूट के एक दूसरे से सेपरेट होकर, यानी काइनेटोकोर टूट जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है, दोनों काइनेटोकोर को अलग अलग करके सेंट्रोमियर टूट जाता है। तो दोनों दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, एक क्रोमेटिड इस पोल में, एक क्रोमेटिड दूसरे पोल में। तो ऐसा करके सारे क्रोमेटिड 92 इधर 92 इधर पहुंच जाते हैं। एट द एंड सॉरी एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज
each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as the daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration toward the two opposite poles. तो हमने देखा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो टूटे हैं. टूटने के बाद हम उनको सिस्टर क्रोमोसोम्स कह देंगे. क्यों कह देंगे? क्योंकि वही जो है अपोजिट पोल में जा करके जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनको बनाएंगे. ठीक है, वो फिर अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर उनको अपने अपने तरफ खींच के लेके जाते हैं. एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड. देखिए, हम एक धागे को ऐसे खींचते ले जाएंगे तो धागे का टेल जो है दोनों टेल पीछे की तरफ रहेगा, तो ऐसे इक्वेटर की तरफ रहेगा बीच में, मतलब टेल जो है उसका, और वो आगे खींचते हुए चले जाएगा. दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या चीज है? सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, और अपोजिट पोल में जाके ये ग्रुपिंग कर लेते हैं. फिर टीलोफेज में उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है. ये टीलोफेज है. तो टीलोफेज हम पढ़ते हैं क्या लिखा है टीलोफेज में. एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज क्या है टीलोफेज, किसका? कैरियोकाइनेसिस का, न्यूक्लियर डिवीजन का फाइनल फेज, दैट इज टीलोफेज, है ना. द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. तो अब अपोजिट पोल में पहुंच के जो क्रोमेटिड्स हैं या डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना के वो फिर से इस तरह से इंटर ओवन हो जाते हैं जैसा हमने इंटरफेस के बाद देखा था. क्रोमोसोम बनने से पहले हमने, प्रोफेज से पहले हमने देखा था, बस उसी तरह के फॉर्म्स में आ जाते हैं. मतलब वो अलग अलग क्रोमेटिड दिखने के बजाय इंटर ओवन होकर क्रोमेटिड नेटवर्क दिखने लगते हैं. ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स. फिगर दिस, दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स. अब टीलोफेज में क्या क्या होता है, इसमें एक पैराग्राफ इसका मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. टीलोफेज में क्या हुआ, अपोजिट पोल में पहुँच गए हैं क्रोमोसोम्स, वो क्रोमेटिड्स कह सकते हैं, वो आपस में इंटरवोवन हो गए. अब वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने प्रोफेज के लास्ट में ब्रेक करके पूरा फैला दिए थे, उसके टुकड़े पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर गए थे वेसिकल्स के फॉर्म में, वो रिकलेक्ट होने लगते हैं. और रिकलेक्ट होकर के वो यहाँ पर इस तरह से रिकलेक्ट होकर के ये इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर लेते हैं. तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इनके चारों तरफ दोनों तरफ एक एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गया, और अब ये दो न्यूक्लियाई यहाँ पर हमको दिखाई देने लग गए. और क्या चेंज आता है, इसके अंदर एक एक न्यूक्लियोलस भी बन जाते हैं, न्यूक्लियोलस बन गए. ये एक चेंज आया. एक और चेंज ये आता है कि जो एस्टर्स बनाए हुए थे ये सेंट्रियोल्स, तो एक तो बड़े वाले स्पिंडल्स वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं अपने प्रोटीन में, ट्यूबुलिन प्रोटीन में बिखर जाते हैं टूट के, और जो एस्टर्स बनाए हुए थे सेंट्रियोल्स उनके छोटे छोटे स्पिंडल्स भी वहाँ से सेपरेट होके बिखर जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो सेंट्रियोल हैं वो सेंट्रोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं. तो दोनों तरफ एक एक सेंट्रोसोम यहाँ पर हमको दिखाई देने लगेगा. अब जो है शुरू होता है साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस में हमने देखा कि जो सेल है उसके ठीक बीच में इस तरह से एक खांच जैसा बनता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, और ये अंदर डीप और डीप होते चले जाता है, फिर दो सेल में अलग हो जाता है. ये एनिमल सेल है जिसमें क्लीवेज या फरो, जबकि प्लांट सेल में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सेल प्लेट बनता है और सेल प्लेट के द्वारा वो दो सेल टूट जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं. माइटोसिस एकम्प्लाइजेस नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई कैरियोकाइनेसिस, बट द सेल इट्सेल्फ
is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. तो इस लाइन में ये लिखा है कि सेल डिवीजन में न केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न केवल क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, बल्कि सेल के साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, जिसे टोटल में दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं. इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फरो या क्लीवेज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी में सिर्फ फरो लिखा है, क्लीवेज नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी क्लीवेज उसको कहते हैं. क्लीवेज का मतलब खांच, ठीक है. द फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू द टू. देखिए ये जो क्लीवेज या फरो बना वो एक्चुअली कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो होते हैं, एक्टिन मायोसिन टाइप के जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ खींचते हैं, जिससे वो डिपेन और डिपेन होते चले जाता है और जुड़ करके दो सेल में डिवाइड कर देता है. प्लांट सेल्स हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय ए रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म. हमने अभी देखा कि चूंकि सेल वॉल है तो उसमें क्लीवेज या फरो नहीं हो सकता, तो प्लांट सेल का जो सेल डिवीजन है वो दूसरे मैकेनिज्म से होता है, जिसको हम सेल प्लेट फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है. इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल. तो बीच में शुरू होता है वो बनना, उसी को सेल प्लेट कहते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेली बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल. तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि सेल प्लेट कैसे बनता है. तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में गॉल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े जिनको फ्रेग्मोप्लास्ट कहते हैं वो पहुंचते हैं बीच में, लाइन से अरेंज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दो मेम्ब्रेन बना, उसके बीच का मटेरियल सॉलिडिफाई हुआ कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का, और उसी को हम सेल प्लेट कहते हैं, जो बाद में मिडिल लैमेली के रूप में डेवलप हो जाता है और मेम्ब्रेन के बाहर दोनों तरफ सिक्रेट हो जाता है सेल वॉल. एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनका फॉर्मेशन भी डिवीजन से होता है. बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका दूसरे तरीके से फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, जैसे गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाए जाते हैं. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि पहले से जो हैं उन्हीं में डिवीजन होकर नए बनते हैं. जैसे मान लो 10 माइटोकॉन्ड्रिया थे, उनको 20 करना था, तो 10 माइटोकॉन्ड्रिया में एक एक बार डिवीजन हो जाएगा, 20 हो जाएंगे और 10-10 माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में बट जाएंगे. इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज द रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन अराइजेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. मैंने शुरू में, सेल बायोलॉजी के शुरू में, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ज़्यादातर सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है. लेकिन मान लो किसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं, तो हम उन सेल्स को मल्टी न्यूक्लेटेड या सिनसाइटियल सेल एनिमल्स में, या सीनोसिटिक सेल प्लांट में हम कहते हैं, जब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं. पहला कारण यह हो सकता है कि सेल के न्यूक्लियस का डिवीजन तो हुआ लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ, तो एक सेल में 2, 4, 8, 16 इस तरह से ज़्यादा की संख्या में न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. एक कंडीशन यह है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, सेल का डिवीजन नहीं हुआ. दूसरा कारण यह हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेल्स आपस में फ्यूज हुए, ठीक है, उनके वॉल्स जो है डिजॉल्व हो गए. मान लो 3 या 4 सेल आपस में फ्यूज होकर एक सेल हो गए, अब उनके तीनों चारों के जो न्यूक्लियाई हैं वो उसी के अंदर रह गए. अब 3-4 सेल से एक सेल तो बन गया लेकिन न्यूक्लियाई अलग अलग रह गए, तो उस एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो गए. तो ऐसे में भी सिनसाइटल कंडीशन होता है. जो कोकोनट है उसके अंदर जो पानी रहता है, नारियल पानी जिसको हम कोकोनट मिल्क कहते हैं,
वो अपने आप में एक लिक्विड एंडोस्पर्म है, फूड मटेरियल है वो, और वो सिनसाइटियल होता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर आता है। हम प्लांट रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे 12th के टॉपिक में तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कैसे वो न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल तीन प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। इसके बारे में मैं आपको उस क्लास में बताने वाला हूँ। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देखिए, हमारा जो शरीर बना, ग्रो किया और आगे भी जो भी शरीर में रिपेयर हो रहा है, रीजेनरेशन हो रहा है, वो सारे माइटोसिस से होते हैं। तो पहला चीज देखिए, स्पर्म ओवम के बनने से लेकर के उस एनिमल के या उस प्लांट के बनने से लेकर के उसके मौत तक की सारी प्रक्रिया अगर हम देखें, तो स्पर्म ओवम बनते समय हम जानते हैं कि मियोसिस होता है। लेकिन क्या केवल मियोसिस होता है या उसमें माइटोसिस भी होता है? तो मैं आपको बता दूं कि मियोसिस तो आखिरी का एक डिवीजन है मियोसिस, लेकिन उससे पहले जो गोनोसाइट्स हैं उनमें बहुत बार माइटोसिस होता है। उसके बाद माइटोसिस के बाद फिर प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये बनते हैं, तब उनमें जाके मियोसिस होता है। मतलब स्पर्म ओवम यानी गैमिट्स बनते समय भी पहला चीज है कि माइटोसिस होता है, उसमें मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब मान लो कि स्पर्म ओवम बने, उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल वाला जाइगोट बना। अब उस जाइगोट में माइटोसिस के द्वारा डिवीजन शुरू हुआ। शुरू के डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि जब तक उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसका साइज नहीं बढ़ता है, इसलिए वो क्लीवेज कहलाता है। तो अब मतलब सेल का डिवीजन चालू हुआ, चाहे वो क्लीवेज हो या नॉर्मल हो, जैसे भी, लेकिन वो सब माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस द्वारा सेल्स डिवीजन करते जाते हैं, जाइगोट से मारूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो 8 हफ्ते तक को कहते हैं हमारे में, फिर 8 हफ्ते के बाद वो फीटस हो जाता है। फीटस का मतलब है वो छोटा सा बच्चे जैसा दिखने लगता है, उसके बाद उसको पूरा फीटस कहते हैं, फिर वो 9 महीने में जन्म लेता है। तो आप देखिए कि एक सेल जाइगोट से लेकर के उस बच्चे के बनते तक माइटोसिस ने उसके सारे सेल्स को बनाया, पूरे शरीर को बनाया। बच्चा पैदा हुआ, अब पैदा होने के बाद वो बच्चा बड़ा होने लगा, तो बड़ा होने के लिए भी जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन होता है, और तभी वो जो है एनिमल ग्रो करके बड़ा होता है। तो हमारे में भी ऐसे ही होता है, वो ग्रो करके बड़ा होते जाता है माइटोसिस के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इस बीच में सेल के डिवीजन से तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसके शरीर में जो पुराने सेल्स हैं जिनकी उम्र पूरी होते जाती है, उन सेल्स को ख़त्म करके उनके जगह नए सेल्स का बनना भी माइटोसिस से हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कहीं पर चोट लग जाता है, उंड हो जाता है, घाव बन जाता है, तो उसके रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने खोए हुए, अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा लेते हैं, जिसको रीजेनरेशन कहते हैं। जैसे छिपकली का पूंछ उग जाता है, या हाइड्रा के पूरे शरीर का कोई भी पार्ट काट देंगे तो उग जाएगा। तो ये जो रीजेनरेशन पावर है ये भी माइटोसिस के द्वारा ही होता है, माइटोसिस से ही उसके शरीर में रीजेनरेशन होता है। ठीक है, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। ये हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स में एक आध एग्जाम्पल को छोड़ दें तो ज़्यादातर में या लगभग पूरे में माइटोसिस केवल डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं। कहाँ पर ऐसा एक्सेप्शन है? तो एक तो है आपका हनी बी। हनी बी का जो ड्रोन बनता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, इसलिए वो हेप्लॉयड होता है। तो उसका पूरा जो है एग से लेकर के पार्थिनोजेनेसिस द्वारा ड्रोन या मेल हनी बी बनने तक की पूरी प्रक्रिया जो है वो माइटोसिस द्वारा पॉसिबल है, और वो हेप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है। तो एनिमल्स में एक आध दो एग्जाम्पल को छोड़ दें तो बाकी सारे एग्जाम्पल में जितने भी माइटोसिस हैं वो सभी डिप्लॉयड सेल में होते हैं। लेकिन प्लांट में हेप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, किसी भी प्रकार के सेल में माइटोसिस चल सकता है। जैसे हेप्लॉयड सेल्स, जैसे लोअर एल्गी हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, या कुछ फिलामेंटस एल्गी हैं, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो हेप्लॉयड कंडीशन में, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स है ना, या स्पायरो वगैरह। तो इनका जो डिवीजन होता हेप्लॉयड कंडीशन में ही, वो माइटोसिस द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप डिप्लॉयड सेल तो सभी में होते ही हैं, ट्रिप्लॉयड सेल के एग्जांपल हम ले लेते हैं एंडोस्पर्म, है ना, जो आपका ये शीट होता है, शीट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है
वो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड सेल होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं तो उनमें भी माइटोसिस द्वारा ही एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो कुल मिला के प्लांट में सभी प्रकार के सेल्स में ये आराम से हो जाता है माइटोसिस। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। जैसा मैंने कहा कि हनी बी में ये हैप्लॉइड सेल में होता है क्योंकि वो मेल हैप्लॉइड होता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिविजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंस है, ये बोल रहा है आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स। तो अभी मैंने बताया, देखिए हनी बी में क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है जिसको हम कहते हैं क्वीन। क्वीन जो है दो प्रकार के एग्स पैदा करती है, एक डिप्लॉयड एग होती है और एक हैप्लॉइड एग होती है। डिप्लॉयड एग ज़्यादा संख्या में पैदा करती हैं। तो जो डिप्लॉयड एग है जो फर्टिलाइज कंडीशन में होती हैं इनसे फीमेल पैदा होती हैं, और जो हैप्लॉइड एग होती हैं इनसे मेल्स पैदा होते हैं। और फीमेल में ज़्यादातर को हम हनी खिलाते हैं, सिंपल हनी खिलाया जाता है तो वो स्टेराइल हो जाती हैं, अंडे नहीं दे सकती, काम करती हैं। वर्कर हनी भी वो फीमेल होती हैं लेकिन स्टेराइल। लेकिन एक उसमें से जिसको रॉयल जेली खिलाई जाती है वो रानी मधुमक्खी बन जाती है, जो है क्वीन, और वो जो है अंडे दे सकती है। तो वो रानी मधुमक्खी जो है वो भी डिप्लॉयड है, वो फीमेल है, है ना। तो इस तरह से हैप्लॉयड डिप्लॉयड का कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ हैंग कंडीशन में आ रहा है लग रहा है ये, कोई बात नहीं, हम इसके बाद जो है मियोसिस जो है हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इसको वैसे भी ख़त्म करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, अगर ये सही हो जाता है तो हम आगे क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, ये हैंग हो गया है कुछ, कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और ठीक है, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र तो ज़रूर कर लें प्लीज़, है ना। और थोड़ा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें मेरे वीडियोस, ताकि वो भी थोड़ा आगे बढ़ें मेरे वीडियोस, और मेरा चैनल भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा आपके हेल्प से, है ना। फिर ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, माइटोसिस के बाद मियोसिस पढ़ेंगे, और थोड़ा डिफरेंस भी बताऊँगा मैं आपको कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है। ठीक है, थैंक यू।